गाइस, यू आर वाचिंग रिंकूज व्लॉग। आज हम जानेंगे कि हम ईवियन कैप्सूल एंड विटामिन ई कैप्सूल, जो कि दोनों ही एक है, उसे हम कैसे अपने स्किन को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो कितना पोल्यूटेड है, हमारा खाना, हमारी वायु, हमारा जल, इवन हमारा हर कुछ पोल्यूटेड है। तो हमारी स्किन कैसे पोल्यूटेड नहीं होगी? हमारे स्किन पोल्यूटेड होने की वजह से हमें डार्क सर्कल्स होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, टैनिंग हो जाती है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हमें डे टू डे लाइफ फेस करनी पड़ती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो बहुत से लोगों का स्किन डार्क भी हो जाता है, कुछ लोग काले हो जाते हैं। काले होने के बाद उनको ये लगता है कि हम कैसे गोरे हो, या काले लोगों को ऐसा लगता है कि हम गोरे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट आते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप गोरे हो जाओगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ऐसी कोई क्रीम होगी जिस जो काले को गोरा और गोरे को काला बना सके। आपको पता हो, किसी को भी पता हो तो आप प्लीज़ बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उस क्रीम का नाम, हम भी जाने कौन सी क्रीम है। ओके, उसके बाद जैसे कि मार्केट वाले बोलते हैं कि ऐसी बहुत सी क्रीम आती है कि हम गोरे हो जाएंगे, आपको हम गोरा कर देंगे। तो देखिए, ऐसी कोई भी क्रीम नहीं होती है। आप ऐसी कोई भी क्रीम अपने स्किन में अप्लाई ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड केमिकल्स वाली होती है जो आपको स्किन को गोरा तो कर देती है, बट ये होता है कि जब तक आप उस क्रीम को यूज़ करते हैं तब तक बस आप गोरे दिखते हैं। आप उस क्रीम को यूज़ करके आप धूप में भी नहीं जा सकते। धूप में जाएंगे तो ऑलरेडी लोगों को पता चल जाएगा कि आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं। उस क्रीम का आप कैसे जानेंगे कि कोई मेडिकेटेड क्रीम यूज़ कर रहा है? देखना, कभी भी जो भी मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करने वाला जो बंदा या बंदी होती है, वो धूप में निकलता है ना, तो उसकी ये वाली जो पोर्शन होती है वो पूरे ऐसे रेड 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 हो जाते हैं। वो तो ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप उस क्रीम को लगाना छोड़ते हैं, आपकी स्किन जो पहले थी या आप क्रीम लगाने तक थी उससे भी बदतर हो जाती है। तो ये भी हमारा कोई सलूशन नहीं है। आप होम रेमेडी से आप अपनी स्किन को दो टोन ब्राइटर कर सकते हो, आप अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हो, बट एट अ टाइम, मतलब तुरंत के तुरंत कोई भी चीज़ आपको गोरा नहीं कर सकती। किसी भी चीज़, हम आपको कोई चीज़ बताते हैं, होम रेमेडीज़ बताते हैं, आप ये लगाइए, ये लगाइए, ये लगाइए, ठीक है, वो एक समय के साथ 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 रिजल्ट देती है आपकी वो स्किन को। हर वो प्रोटीन, न्यूट्रिशन, हर चीज़ें वो देती है, उसके बाद आपका वो दो टोन लाइट होता है। बट आप ये सोचो कि कोई भी चीज़ आपको एकदम से काले से उठा के गोरा बना दे, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप जा रहे हो, ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप उन सब चीज़ों को स्टॉप कर दो। आप इतने महंगे महंगे कॉस्मेटिक लेने से अच्छा है कि जो विटामिन ई की कैप्सूल होती है 400 mg की, आप उसको यूज़ कीजिए। आप एक कैप्सूल रोज खाइए और आप एक कैप्सूल को रोज अपने स्किन पर लगाइए। आप उस कैप्सूल्स को आप अपने अंडर आई पोर्शन पे डार्क सर्कल के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके लिप्स काले हो गए हैं तो आप अपने लिप्स में उस विटामिन ई के कैप्सूल को लगा के आप उसको बेबी पिंक कलर का कर सकते हैं। आपको जहाँ टैनिंग है आप वहाँ लगाइए, आपको जहाँ रिंकल है आप वहाँ लगाइए। अगर आप अपने स्किन के लिए लगा रहे हैं तो आप विटामिन ई कैप्सूल के साथ आप बादाम तेल की कुछ बूंदें मिला के लगाइए। ये सारी चीज़ें करने से बहुत बेनिफिट मिलता है। विटामिन ई कैप्सूल में से हाइड्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन अच्छी होती है। विटामिन ई कैप्सूल से आप अपने हर चीज़ों में इफ़ेक्ट देख सकते हैं। आप जैसे 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 कि अगर आपको पिंपल हुआ है, अगर आप अपने पिंपल का जो एरिया है वहाँ पे अगर आप अपने विटामिन ई का कैप्सूल लगाते हैं, वो पिंपल ठीक हो जाता है, उसके जो दाग जो छूट जाते हैं वो दाग नहीं रहते, दाग चला जाता है, आपकी रिंकल्स ठीक होती हैं, आपके अंडर आई का वो ठीक होता है। आप अपने स्किन में विटामिन ई और बादाम के तेल को ऐसे मसाज करते हुए लगाएं। आप रोज़ एक टैबलेट खाएं और एक साथ में लगाएं, इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि विटामिन ई टैबलेट्स में बहुत से ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए आप उसे खाए भी और आप उसे लगाए भी, ऐसे करने से आपकी स्किन बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। आप गोरे तो नहीं बोलेंगे, आप अपने जो इवन टोन जो आपका है आप वो अच्छी हो जाएगी। देखिए, हर कोई अपने स्किन टोन के साथ पैदा होता है। मुझे नहीं लगता कोई काला बुरा दिखता है या कोई गोरा अच्छा दिखता है। इवन कई काले भी अच्छे दिखते हैं और कई गोरे भी बुरे दिखते हैं। तो इसलिए अपने डार्क कलर होने की वजह से आप कभी उसको नेगलेक्ट ना करें या बुरा ना माने, या मतलब ये मत सोचिए कि हम गोरे
हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। जो आपकी जो एक्चुअली गॉड गिफ्टेड जो आपकी जो स्किन है, आप उसको केयर कीजिए, उसे हेल्दी कीजिए, क्लीन रखिए, सॉफ्ट ग्लोइंग हेल्दी स्किन जो कि सभी को पसंद है, आप ये चीज़ रखने की कोशिश कीजिए। आप कॉस्मेटिक यूज़ मत कीजिए, आपकी स्किन को वो आज तो ठीक रखेगा, गोरा बना देगा या पिंपल्स हटा देगा, बट वो बंद करने के बाद आपकी स्किन को बद से बदतर कर देगा। इसलिए किसी भी कॉस्मेटिक क्रीम को लगाना बंद कीजिए, नेचुरल चीज़ों पे जाइए जो कि आपको सहायता करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।